सोलन के राजगढ़ रोड पर कुछ दिनों पहले हुई गोलीकांड में पकड़े गए युवा अपराधी पुलिस के आगे धीरे धीरे सच उगलने लगे हैं। पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण सबूत लगे हैं, जिसमें पुलिस पकड़े गए आरोपियों के साथ हरियाणा जाकर एक साक्ष्य एकत्रित करने में जुटी है और अब पुलिस इस गोलीकांड के किंग पिन यानी मास्टर माइंड तक पहुंचने का प्रयास कर रही है ताकि इस गोलीकांड का पूर्ण रूप से खुलासा हो सके। इसीलिए पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और उनका 2 दिन के लिए रिमांड लिया गया ताकि इस घटना से पूर्ण रूप से पर्दा उठकर असली आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से काफी खुलासे हो चुके हैं, यहां तक कि इस गोलीकांड में उपयोग में लाए गए हथियार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने बताया कि आज आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है जहां से उन्हें 2 दिन का और रिमांड मिला है। उन्होंने कहा कि इस गोलीकांड से जुड़े उनके हाथ कई महत्वपूर्ण सबूत लगे हैं, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्द ही इस घटना को पूर्ण रूप से सुलझा लेंगे। एक व्यक्ति हमने गिरफ्तार किया है और दूसरा व्यक्ति जो है उसमें वो माइनर था, तो उसमें माइनर जेजे एक्ट के तहत जो कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। इन व्यक्तियों के इंस्टांस पे जिस पिस्टल से फायरिंग की गई थी उसको रिकवर किया गया है। और इसके अलावा आज फिर से एक व्यक्ति जिसका नाम अमित है उसको कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसका फिर से 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। इसमें हम हर पहलू पे काम कर रहे हैं और हर एंगल को ध्यान में रख के इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और फर्दर जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।